पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों में इजाफे के बाद एक्सपोर्टर्स ने भी किराया बढ़ा दिया है। मुजफ्फरगढ़ से जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जाने वाली गाड़ियों के किराए में 15 से 20% इजाफा हो गया। आमिर डोगर से जानते हैं, आमिर कितना इजाफा हुआ है? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फौरी बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी मुजफ्फरगढ़ में किराए बढ़ा दिए और तकरीबन 5,000 लोग रोजाना की बुनियाद पर मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान का सफर करते हैं। मुल्तान का किराया पहले 80 रुपए था, 100 रुपए कर दिया गया। शहरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मुझे ये बताएगा कि पहले किराया कितना था? आप कितना किराया? 80 रुपए था, अब आज सुबह गया हूँ 100 रुपए है। अब गरीब आदमी कहाँ जाए? हम गरीब आदमी बिल वर्कर हैं, डेली आना जाना होता है। हमारा तो जीना आराम हो गया, कोई इनकी पेश रफ्त नहीं है, कोई बात पुरुष नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब डेली हम सुबह मेरी लड़ाई हुई है ट्रांसपोर्टर के साथ, वो कहते हैं कि हम क्या मरें, 30 रुपये पेट्रोल बढ़ गया। अब हमारे ऊपर तो लोड पड़ गया ना 40 रुपये डेली का, 20 रुपये जाने के बढ़ गए, 20 रुपये आने के बढ़ गए। हम कहाँ ये बताएगा, जैसे कि आपने बताया कि आप डेली सफर करते हैं, जो डेली सफर करने वाले हैं मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, तो उनको क्या परेशानी का सामना? परेशानी तो ये है जी, जो बंदा भी जा रहा है वो जाकर लड़ रहा है, उनके बजट के ऊपर लोड पड़ गया है। गरीब आदमी का बजट तो मखसूस ही होता है ना। अब घर से हम 200 रुपये लेके जाते हैं, उसमें चाय भी पीनी है, खाना भी खाना है, वो तो हमारा खत्म हो गया जी। बिल्कुल आम शहरी खासी मुश्किल है। बेहतर आमिर डोगर, आपका शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होते ही ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। लाहौर, कराची और रावलपिंडी के किरायों में 300 से 400 रुपए का इजाफा हो गया है। मजीद जान लेते हैं जावेद इकबाल से। जी जावेद बताइए। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है। लाहौर, रावलपिंडी और कराची के किरायों में 300 से 400 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुछ अड्डा मैनेजर भी मौजूद हैं, मजीद हम उनसे बात करते हैं। जी ये बताइएगा कि कितना किराए में इजाफा किया गया है? जी सर, ये सर हुकूमत के तेल बढ़ाने की वजह से तकरीबन जो हमारे पास एसी यू टांग और डाइवो का किराया था, पहले हम 2000 रुपये ले रहे थे कराची जामपुर से कराची के लिए, अब जो है ना 300 रुपया बढ़ा दिया गया है। अब 2300 रुपया यू टांग डाइवो का ले रहे हैं एग्जेक्टिव क्लास का। दूसरा मतलब नॉन एसी का किराया जो है वो ट्रांसपोर्टरों ने बढ़ा दिया है, पहले हम 1300 रुपये ले रहे थे, अब 200 का इजाफा किया गया है, 1500 रुपये किराया आप कास्ट कर रहे हैं। तो ये किराया बढ़ाना और लेना ये ट्रांसपोर्टर की मजबूरी है, जब उसको महंगा तेल मिलेगा तो उसके लिए मजबूरन किराया बढ़ाना पड़ेगा। ये सब जो है वो कस्टमर को बर्दाश्त करना है। कस्टमर को बर्दाश्त। वेद इकबाल आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।